मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और वो सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है, आप सब जानते ही होंगे ये कुंभलगढ़ फोर्ट सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है इन द वर्ल्ड। तो हम आज वहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट पर अवस्थित है। तो हम आज आपको वहाँ घुमाने ले जा रहे हैं जो सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है इन द वर्ल्ड। हम आज वहां घूमेंगे। तो फिर चलिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो के एंड तक देखे। चलिए ही दूर है, तो हम जा रहे हैं। अभी तक तो बहुत ही देर होगी, लगता तो है यही। ये बहुत ही बड़ा एक जंगल है। इस जंगल में बहुत कुछ रहते हैं, बहुत बहुत, मतलब हिरन रहते हैं, भालू रहते हैं, पैंथर रहते हैं, और भी बहुत कुछ रहते हैं। असल में तो ये उनका ही तो जगह है जहाँ पर रोड बना दिया गया है। तो दोस्तों अभी भी हम रास्ते पर ही है। ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत दूर है ये कुंभलगढ़ फोर्ट तो, अभी तक कितना रास्ता बाकी है कुछ पता नहीं। कितनी सुंदर हरियाली है, पता नहीं कितना परसेंट ऑक्सीजन आएगा, बहुत ही आ जाएगा लगता है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये कैमरे में दिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर खुद यहाँ आएंगे ना तो पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी सुंदर एक जगह है और कुंभलगढ़ फोर्ट के ऊपर कितना सुंदर लगता है। दोस्तों लगता है अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर हम थोड़ा दूर आए हैं, ये जंगल छोड़कर थोड़ा होटल रिसोर्ट दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा पास आए हैं हम, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो फिर बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर झील है, यहाँ पर बकरियां भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये पहाड़ के ऊपर अवस्थित है। हम पूरा गेट में घुसने वाले हैं। आगे देखिए कितनी जाम है, मतलब आज भी यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं। ये कोविड के टाइम पर भी कुंभलगढ़ की ये मुख्य द्वार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कौन सा पौधा है, मुझे तो इसका नाम नहीं पता। ये कांटे का पौधा है, और अगर आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम अभी फोर्ट में पहुंच गए हैं। पूरे ऊपर दिख रहे हैं वो मेरे पापा है। तो मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ा मस्ती कर रहा था। तो देखिए हम अभी ऊपर जाने वाले हैं।
ये बहुत ही ऊंची है, यहाँ पर एक सीढ़ी है, तो हम ज्यादा उस तरफ से नहीं गए, एक सीढ़ी से गए। तो देखिए यहाँ से अब भी बहुत चढ़ना पड़ेगा, फिर ही हम ऊपर आ सकेंगे बहुत बहुत। तो हम तो मुझे पता नहीं उठते उठते कितने बार बैठना पड़ेगा मुझे और मम्मी को मेरे पापा को, बहुत ही थक जाता हूँ मैं। तो फिर बने रहिए मेरे साथ। बहुत ऊपर आ गया अब तक तो, मुझे दो बार तो रेस्ट लेना हो ही गया, अभी तक बहुत ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर मैं चढ़ना शुरू किया हूँ। तो देखिए यहाँ सुंदर नजारा है, हम तो बहुत ही टॉप में आ गए हैं, तो हम इससे भी टॉप में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर है, ये देखिए वहाँ पर मैं और मेरी मम्मी बैठ गया हूँ, गए हैं। ये नीचे है, वहाँ से नीचे कितना सुंदर दिखता है, और यहाँ पर बिल्कुल बादल के पास ही है। ये देखिए तो हम वहाँ पर एंटर कर गए हैं, एक जैसा है यहाँ पर एंटर कर गए। तो देखिए यहाँ पर ये एक माता जी का मंदिर था, तो बने रहिए मेरे साथ देखिए। अभी हम घुस रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही अंधेरे हैं, तो हम अभी ऊपर चढ़ेंगे। ये बिल्कुल टॉप में चढ़ने की सीढ़ी है, ये इतनी पतली है कि यहाँ पर दो लोग कभी भी पास पास नहीं आ सकते। तो ये देखिए हम अभी वो बिल्कुल टॉप में नहीं आया, इससे भी ऊपर एक है, तो हम वहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, फिर इसके इससे वहाँ पर एक सीढ़ी है, वो बिल्कुल टॉप में जाने वाली सीढ़ी है, तो हम यहाँ से चलेंगे और बिल्कुल टॉप में जाएंगे। तो देखिए टॉप में कितना सुंदर है, मैं भी ये देखिए दोस्तों। तो हम अभी बिल्कुल टॉप में आ गए हैं, ये देखिए कितनी पतली पतली स्टील की रेलिंग है, लोहे की जंग लगी हुई, और लोग यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी खींच रहे हैं। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था, जब मैं लग रहा है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, मुझे तो पास जाने में ही बहुत डर लग रहा है कि यहाँ से कैसे जाऊँ, वही मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर हम बहुत ही ऊंचाई पर हैं, इतनी ऊंचाई पर कि बर्ड हमारे आसपास से जा रहे हैं, इससे ऊंचाई से तो वो उड़ ही नहीं पा रहे हैं, उड़ ही नहीं पाएंगे। देखिए कितने सारे पहाड़ है, दूर तक है वो, देखिए वहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये सब कैसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं, इतनी पतली पतली लोहे की रॉड में, वो भी जंग लगी हुई। तो आप जब यहाँ पर आए प्लीज़ ऐसे सेल्फी मत खिंचवाएं। तो वो देखिए नीचे वो एक दीवार है,
वही है कुंभलगढ़ की दीवार। ये तो बहुत दूर गई है, देखिए कितनी दूर तक है वो। और यहाँ का नजारा कितना सुंदर है, पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, और बादल के आसपास पूरा सफेद सफेद, बहुत ही सुंदर है ये वाली जगह। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ से आ रहे हैं, कितनी पतली पतली रेलिंग, नीचे ये लोग कितने छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी सब सेल्फी खिंचवा रहे हैं। देखिए ये नीचे वो देखिए दीवार, देखिए बिल्कुल रोड दिख रहा है यहाँ से, कितनी छोटी जैसे केंचुआ। बहुत ही पतली रोड है, पतली नहीं बहुत ऊंचाई में है ना, तो ये रोड बहुत ही पतली लग रही है हमें, मतलब हम बहुत कितनी। संभल तो खाना मैडम, ये देखिए कितनी सुंदर है यहाँ पर, ये बहुत ही ऊंचाई है। तो जब महाराजा महाराजा हुआ करते थे तो यहाँ से दूरबीन से देखते थे कौन आ रहा है यहाँ पर, कोई है क्या, मतलब यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई है। देखिए दोस्तों ये है कॉमन हाउस का ये बोर्ड छोटा सा, तो घर लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी में, और ये कॉमन हाउस। देखिए यहाँ पर लाइट लगी हुई है, यहाँ पर कॉमन हाउस है, वो देखिए वो कॉमन हाउस दिख रहा है आपको, उसके अंदर एक एक तोप है, कमान है, पांच पूरे कमान है इसके अंदर, तोप है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, सबसे टॉप में जाकर राजा महाराजा आए वहाँ पर देखते थे, और यहाँ पर आकर तोप से उड़ा देते थे, पीछे किसका होल है तो वहाँ से उसे उसमें निकलते नहीं थे, सिर्फ उल्टा करते थे और फायर कर देते थे। राजा देखिए बिल्कुल टॉप वहाँ से जो हम दिखा रहे थे कि ये वो शिव जी का मंदिर, यही है वो मंदिर। पहले बहुत साल आगे पहले यहाँ पर राजा रानी यहाँ पर पूजा देने आते थे, और ये फोर्ट के अंदर ही है, मतलब दीवार के अंदर ही है, ये गेट के अंदर ही है। तो चलो तो चलिए इस मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं, देखते हैं ये मंदिर कितना सुंदर है। ये मेरे मम्मी बैठी हुई है, चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर का उल्टा तरफ है, यहाँ पर लाइट लगी हुई है,
बहुत साल पुराना है, तो ये लाइट जब रात को जलती है तो ये मंदिर बिल्कुल दिखता है, और फोर्ट भी पूरा दिखता है, सब लाइट लगी हुई है। यहाँ पर बंद किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा नज़ारा है, वाह बहुत ही सुंदर यहाँ पर भी है। ये देखिए, तो हमें अभी भी ये देखिए यहाँ पर शिवलिंग देखने वाले हैं हम। ये देखिए ये है शिवलिंग। सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।